नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में कि कैसे कॉन्स्टिपेशन की वजह से ये सारी बीमारियां आपके पीछे पड़ जा सकती है, जैसे फिशर, पेरिनल अपसेस एंड फिस्टुला। पाइल्स भी कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है। ये समझ लीजिए कि मैक्सिमम बीमारियां ये जो फिशर, फिस्टुला, अपसेस, ये सभी बीमारियां कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही होती है। 50% केसेस में कॉन्स्टिपेशन ही मेन इसका कारण होता है, और 50% जो बचे हुए केसेस है उसमें एक्सप्लेन करना मुश्किल है ये क्यों हो रहा है। जैसे पाइल्स एक जीनेटिक हेरिडिटरी भी बोल सकते हैं, जैसे फैमिली में किसी को पाइल्स हुआ है तो आपको भी होने के चांसेस रह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट इसका कोई प्रूफ नहीं है। और फिशर की बीमारियाँ जैसे खाने पीने की आदतों की वजह से, या जिनको बहुत ज़्यादा लूज मोशन होता है उनकी वजह से, या फिर अंदर में कोई अगर बीमारी रहती है उनके कोलोन में यानी लार्ज बोवेल में, या IBS जैसी बीमारियां जो रहती हैं उसमें भी फिशर बनने के चांसेस रहते हैं, फिस्टुला भी बनने के चांसेस रहते हैं। फिस्टुला तो अमूमन ये बीमारियों का आउटकम रहता है, जैसे कि पेरिनल अपसेस हो गया, फिशर हो गया, उसके बाद फिस्टुला बनता है। डायरेक्ट किसी को फिस्टुला नहीं बनता है, एकदम अचानक कोई पेशेंट आएगा और मुझे एकदम से फिस्टुला बन गया, ऐसा नहीं होता है। उसके पहले काफ़ी अलग बीमारियां बनती है, जैसे फिशर बन गया, फिशर की वजह से आपको अपसेस बन गया यानी पस बन गया, और उसके बाद फिस्टुला बन गया, या फिर आपको एकदम से लैट्रिन की जगह में पस बन गया, पस बन के वो अपने आप फूट गया, या फिर डॉक्टर के पास जाके आपने चीरा लगाया, चीरा लगाने के बाद भी वो पस हल्का सा निकलते ही रहा और फिर आपको फिस्टुला बन गया। तो ऐसा इसका एक आउटकम होता है। तो फिस्टुला की बीमारी डायरेक्ट नहीं बनती है, ये समझिए। चलो देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से क्या होता है। मेन कारण तो कॉन्स्टिपेशन है। तो कॉन्स्टिपेशन में सबसे पहले का क्या होता है, आपको हल्के से छाले बनते हैं, क्योंकि लैट्रिन जब बहुत ज़्यादा कड़क हो जाती है और लैट्रिन जब पास होने लगती है तो वो प्रेशर बनाती है एनल कैनल के म्यूकोजा के ऊपर, और उसको घसते हुए जाती है और उसमें हल्के से छाले बनते हैं। इन छालों की वजह से आपको जलन महसूस होती है। लैट्रिन के बाद अगर आपको जलन महसूस होती है तो ये इन छालों की वजह से है, जो एकदम माइनर रहते हैं, जो आपको दिख नहीं सकते। आप देखने की कोशिश भी मत कीजिएगा। बहुत सारे मेरे पेशेंट भी ऐसे कहते हैं कि हमने मोबाइल से फोटो निकाल के देखे, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लैट्रिन जब आप करते हो तो लैट्रिन की जगह थोड़ी सी खुल जाती है और बाहर आती है। एनल कैनल वैसे तो एकदम क्लोज रहती है, जो बाहर से दिखना बहुत मुश्किल है, वो जब लैट्रिन के लिए खुलती है और हल्की सी बाहर आती है तभी दिख सकती है। और ये एग्जामिनेशन टेबल पे जब डॉक्टर देखता है या प्रोक्टोस्कोप से देखता है तभी दिख सकता है, आपके मोबाइल के फोटो से नहीं देख सकता। ऐसी कोशिश मत कीजिए, बेकार है। तो ये जब छाले आते हैं तो आपको जलन महसूस होती है, और ये जलन आपको 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा रह सकती है, उसके बाद कम हो जाती है। तो जनरली ये ऐसे ही शुरुआत होती है, लेकिन जब भी आपको ऐसा होता है कि आपको लैट्रिन के बाद जलन महसूस हो रही है, आपने केयर करना चाहिए। अब आप केयर क्या करेंगे, तो आपको लैट्रिन पतली होने के लिए कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा दवाइयाँ, क्योंकि आपको लैट्रिन कड़क ही हो रही है, रोज कड़क हो रही है, फिर भी आप ध्यान नहीं दे पा रहे, तो आपकी ये जो छाले हैं, जो जिसको हम एनल इरोजेंस कहते हैं, ये बढ़ सकते हैं और ये बढ़ के उसका फिशर बन सकता है। इसीलिए आपने ध्यान देना है कि आपके ये इरोजेंस फिशर में कन्वर्ट ना हो। आप कोई भी ओवर द काउंटर फार्मेसी से मिलने वाले दवाइयाँ ले सकते हैं, जैसे कि क्रेमेफिन हो गया, क्रेमेफिन प्लस हो गया, स्मूथ सिरप हो गया, काफ़ी सारे हैं। आप इस आप गोल्ड पाउडर भी ले सकते हैं। आप लैक्टुलस की दवाई जो सिंपल रहती है सभी एज ग्रुप में ले सकते हैं, लैक्टुलस सिरप वो भी ले सकते हैं। अगर आपने ये दवाइयाँ ले ली तो आपका इरोजेंस कम हो जाएगा और आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा, आपको जलन महसूस नहीं होगी। और आपको अगर जलन महसूस नहीं होगी, इसका मतलब आप ठीक हो गए, आपके छाले ठीक हो गए। तो याद रखिए, आपको कॉन्स्टिपेशन के बाद अगर जलन महसूस होती है तो आपको ये करना ही है। आप दवाई लेने के बाद भी अगर आपकी जलन कम नहीं हो रही है, या फिर आप अपने मन से दवाइयाँ नहीं लेना चाहते, तो बहुत अच्छी बात है, आप एक सर्जन को दिखाइए, ना कि किसी आजू बाजू के जनरल प्रैक्टिशनर को, या फिर जैसे किसी ने
आपको सलाह दे दी कि वो गांव में जाके जड़ी बूटी की दवाई लो, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज में हैं, आपको पाइल्स की बीमारी नहीं है, इसलिए लोगों के डायग्नोसिस के ऊपर मत जाइए। लोग आपको कह देंगे कि ये पाइल्स है, आपको जलन भी है तो पाइल्स है, आपको कॉन्स्टिपेशन भी है तो पाइल्स है, आपको ब्लीडिंग है तो पाइल्स है, और आपको पस भी जा रहा तो पाइल्स है। लोगों को पाइल्स छोड़ के और कोई बीमारी मालूम नहीं, और पाइल्स के लिए एक ही इलाज मालूम है, आयुर्वेदिक और जड़ी बूटी। आप ऐसा मत कीजिए। आप अगर चाहते हैं कि डॉक्टर के पास जाना तो एक सर्जन के पास जाइए, उसको दिखाइए, वो आपको ट्यूब देंगे, और ये बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेज में है, आपकी जलन कम हो जाएगी, बस इतना ही। उसके बाद अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं किया, आपकी जलन शुरू है, आपकी कॉन्स्टिपेशन भी शुरू है, तो आपको फिशर हो सकता है, और फिशर जब पहली बार बनता है उसको हम एक्यूट फिशर कहते हैं। इनिशियल स्टेज यानी वो सुपरफिशियल फिशर होता है। सुपरफिशियल फिशर का मतलब ये है कि ये आपके एनल कैनल के मसल तक नहीं जाता, मसल को इन्वॉल्व नहीं करता है, इस वजह से आपको उतना दर्द नहीं होगा जितना फिशर के जनरल पेशेंट में रहेगा। आपको लैट्रिन के एक साइड में, लैट्रिन करते समय आप एनल कैनल के एक साइड में ऐसे चुभन महसूस होंगी, चुभे जैसा दर्द होगा, तो ये आपके सुपरफिशियल फिशर बनने के लक्षण हैं। अगर आपको ये महसूस हो रहा है तो ये स्टेज में आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। आप बिल्कुल ही ये सिम्टम्स को ओवरलुक नहीं कर सकते। आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर को एग्जामिनेशन करने दीजिए। आप ऐसा मत बोलिए कि मुझे चेकअप नहीं करना है, आप सब फिर सिर्फ दवाई लिख के दो। जो कोई डॉक्टर बिना चेकअप के दवाई लिखता है, उसके दवाई कोई काम की नहीं है, ये भी समझ लो। ये सभी चीज़ों सभी डॉक्टर्स के लिए लागू है। अगर पाइल्स का बिना चेकअप के अगर कोई इलाज करता है, इसका मतलब वो आपको बेवकूफ बना रहा है, ये समझ सकते हैं। क्योंकि मुझे भी हर पेशेंट को बार बार चेकअप करना ही पड़ता है। हर बार जब भी वो क्लिनिक में आता है मैं चेकअप करता हूँ, जबकि उसका चेकअप पहले ही हो चुका रहता है। मैंने सब फाइंडिंग्स लिख के भी रखे रहते हैं, लेकिन उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं वो मुझे हर बार देखना पड़ता है। और इसलिए बिना चेकअप के पाइल्स का, फिशर का, फिस्टुला का इलाज करना संभव नहीं है। अगर कोई ऐसा कहता है तो ये आपके ऊपर है, आप माने या ना माने। चलो ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, एक्यूट फिशर में आपको वो ट्यूब देगा, आप वो ट्यूब अप्लाई करेंगे कम से कम 10-15 दिन, और 90% चांसेस है कि आपका फिशर ठीक हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाता है। अर्ली स्टेज में तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट है। मेडिकल मैनेजमेंट यानी क्रीम लगाना, दवाई लेना, इनसे आपका फिशर ठीक हो जाता है, बिल्कुल ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। सुपरफिशियल फिशर के लिए ऑपरेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं रहती है। लेकिन ये भी अगर आपने नहीं किया, आपका सुपरफिशियल फिशर है और आपने अगर उसका इलाज नहीं किया, तो अब आपका फिशर क्रोनिक फिशर बन जाएगा। अब क्रोनिक फिशर बन गया, ये कैसे समझेंगे? क्रोनिक फिशर यानी कम से कम आपके फिशर को 2-3 महीने हो गए हैं और आपने इलाज नहीं किया। आपको रोज जलन होती है, लेकिन वो 1 घंटे के लिए जलन होती है, उसके बाद बंद हो जाती है, तो आप ये सिम्टम्स को ओवरलुक कर रहे हैं। चलो ठीक है, ठीक है, देखा जाएगा। अब आपको लैट्रिन करने में बहुत दर्द होने लगा है, आपकी लैट्रिन पतली है, आपको कड़क संडास नहीं है, आपकी लैट्रिन पतली है, फिर भी आपको दर्द होने लगा है, तब आप समझे कि आपको क्रोनिक फिशर हो गया है। और एक बात, आपको आपके लैट्रिन की जगह में हल्का सा एक मस्सा हाथ को लग रहा है। अगर आपको एक मस्सा हाथ को लग रहा है, आपको लैट्रिन पतली होने के बावजूद भी दर्द हो रहा है, तो ये क्रोनिक स्टेज हो गया। और एक सिम्टम्स इसका है क्रोनिक स्टेज का, कि आपको लैट्रिन के बाद 1-2 बूंद खून दिखाई दे रहा है, यानी खून आपका टपक रहा है लैट्रिन में, ये भी क्रोनिक अल्सर यानी फिशर बनने का लक्षण है। तो आप अभी समझे कि आपका फिशर क्रोनिक बन गया। अब ये क्रोनिक फिशर बनने के बाद आपको कितना पेन है, आप अपने काम कर पा रहे या नहीं पा रहे, आप बैठ पा रहे या नहीं पा रहे, इसके ऊपर आपका इलाज डिसाइड हो सकता है। आपको इस स्टेज में कोई चारा ही नहीं है, आपको डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर से दवाइयाँ लेना है, क्रीम लेना है। लेकिन क्रीम ये स्टेज में कितना काम करेंगी, ये हर पेशेंट के ऊपर। किसी पेशेंट को काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है, किसी पेशेंट को नहीं मिलता है। अगर एक क्रीम से नहीं मिल रहा है, दूसरा एक
फार्मूलेशन बदल के देखना पड़ता है, लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं कि आपको सही में इलाज से फायदा हो सकता है, आपको ऑपरेशन भी लगे। इस स्टेज में भी आपने डॉक्टर के मन के अनुसार इलाज नहीं किए या डॉक्टर के पास गए नहीं, कुछ तो भी आप अपने मन से इलाज कर रहे, कुछ भी पाइल्स के नाम पे दवाइयों में दवाइयाँ खा रहे अपने मन से या किसी और से जड़ी बूटी खा रहे, आपका फीसर बढ़ते जाए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि अभी आपके फीसर के थ्रू लैट्रिन के बाजू में इन्फेक्शन होने के चांसेस है, यानी फीसर यानी क्या है, एक अल्सर है, उसके थ्रू अभी आपकी लैट्रिन के कुछ पार्टिकल्स अंदर जाएंगे, मसल के अंदर जाएंगे और वहाँ पे पस बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा हुआ, वहाँ पे अगर पस बन गया, तो सबसे पहले आपको वहाँ पे ऐसा कुछ हार्डनेस फील होगा, कुछ लंप फील होगा, कुछ ऐसे गठान हो गई, ऐसा एक साइड में आपको गठान महसूस होने लगेंगी, वहाँ पे आपको दर्द महसूस होने लगेगा और हो सकता है आपको बुखार भी आए। अगर लैट्रिन के बाजू में आप कोई गठान है और आपको बुखार है, तो आप समझ लीजिए कि आपको लैट्रिन के बाजू में पस बन गया है, उसी को हम पेरी एनल अब्सेस कहते हैं और ये बहुत जल्दी बनता है। आप कहेंगे कि 2-3 दिन में ही ऐसे कैसे इतनी बड़ी गठान बन गई और मुझे इतना दर्द देने लगा, तो ये हो सकता है। उसके लिए कुछ 1-2 महीने की ज़रूरत नहीं कि हल्की सी गठान है फिर 1-2 महीने के बाद इन्फेक्शन हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये 4-5 दिन में ही आपको इतना दर्द होने लग सकता है कि आपको अभी डॉक्टर के पास जाना ही पड़ सकता है। अगर आपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास नहीं गए, आप कोई जनरल प्रैक्टिशनर के पास गए, आपको उसने एंटीबायोटिक दिया, पेन किलर दिया, तो फिर एक अलग सिनेरियो बनता है। इस पेन किलर से और एंटीबायोटिक से आपका जो इन्फेक्शन है वो कम होने के चांसेस है, आपका दर्द भी कम होने के चांसेस है, लेकिन पस खत्म नहीं हो। ये सब आपके सिम्टम्स कम हो जाएंगे, दर्द कम हो जाएंगे, सूजन कम नहीं होगी, बल्कि वो सूजन अभी धीरे धीरे बढ़ के आपके चमड़ी के थ्रू अपना एक रास्ता ढूंढेंगी, यानी आपके चमड़ी के थ्रू एक छोटा सा गड्ढा होके अब्सेस बस्ट हो जाएगा, यानी पस बाहर निकल जाएगा आपके लैट्रिन के बाजू की चमड़ी से। हो सकता है आपके लैट्रिन के अंदर से भी पस आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि लैट्रिन के बाहर के चमड़ी से ही पस निकले, लैट्रिन के अंदर से यानी एनल कैनल के अंदर से ही पस निकल सकता है। एनीवे अगर पस निकल गया तो आपका दर्द एकदम से कम हो जाएगा, आप बहुत खुश हो जाएंगे, पस निकल गया, दवाई बहुत बढ़िया दिया डॉक्टर ने, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बीमारी को पका के निकाल दिया। बीमारी को पका के निकल दिया ये दवाई की वजह से नहीं हुआ है, वो अपने आप, वैसे भी वो पस निकालने की प्रक्रिया है, वो अपने आप पस निकलेंगे वहाँ से। अगर आपने दवाई नहीं लिए तो भी वो पस कहीं ना कहीं से निकलने की अपनी कोशिश करता है, कभी एनल कैनल से अंदर से निकलता है, कभी बाजू के चमड़ी को फाड़ के निकलता है। ये बिना दवाई के भी होता है, लेकिन दवाई आपको मिलने की वजह से आपको उसका दर्द महसूस नहीं होता है जाता, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि दवाई से होगा। ऐसा होने के बाद आपका पस निकल जाएगा, पस निकलने के बाद आपको पेन रिलीफ मिल जाएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं रहेगी, हल्का सा आपका जो सूजन है वो भी कम हो जाएगी। लेकिन 4-5 दिन, 1-2 हफ्ता होने के बाद आप ये नोट करेंगे कि पस कम तो हो गया है लेकिन बंद नहीं हुआ। आप ये नोट करेंगे अब हल्का सा पस रोज निकलता है, हल्का सा चिपचिपाहट रहती है, आपके अंडरगारमेंट थोड़े से हल्के से गीले हो रहे हैं या अंडरगारमेंट के ऊपर हल्का सा पस चिपका हुआ दिखता है, आपके हाथ को एक बारीक सा एक छेद भी लग रहा है, जो लैट्रिन के बाजू में जिस जगह से पस निकला था वो घाव तो कम हो गया या भर गया, दर्द कम हो गया, लेकिन हल्का सा वहाँ पे छेद है या वहाँ से ऐसे कुछ खून सी जैसे है जहाँ से पस निकल रहा है, और यही आपका फिस्टूला बनना है। अभी आप समझे कि आपका फिस्टूला तैयार हो। फिस्टूला यानी क्या? फिस्टूला यानी एक नली बनना। ये नली जो आपके चमड़ी से लेके आपके एनल कैनल तक बनी हुई है, एनल कैनल बीच में है, सेंटर में है, और आपको आपके आजू बाजू के लैट्रिन एनल कैनल के आजू बाजू के चमड़ी पर एक छोटा सा छेद दिखाई दे, वो छेद से आपके एनल कैनल
की तरफ एक नली बन गई है बारीक, जिसमें से कुछ पार्टिकल्स अभी लैट्रिन के अंदर जाते हैं और पस बन के बाहर। ये फिस्टुला बन गया है और ये सब एक आपका जो कॉन्स्टिपेशन है, जो लैट्रिन कड़क होना है, जिसको हम कब्ज कहते हैं, उसका नतीजा है। उसके सिम्टम्स के ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया, उसकी जो बीमारियां बीच बीच में छोटी मोटी बनती गई उसके ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया, अब आपको बहुत बड़ी बीमारी बन गई है जिसको हम फिस्टुला कहते हैं। ये अगर सिंपल है तो जल्दी से ऑपरेशन कीजिए, 100% चांसेस है कि आप ठीक हो। ये अगर कॉम्प्लेक्स हो गया, यानी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, एक नली के दो नली बन गई, तीन नली बन गई, एक छेद के दो तीन छेद बन गए, तो फिर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है। इसके लिए आपको दो तीन सर्जरी भी लग सकते हैं, जिसको हम स्टेजेस कहते हैं। अगर एक कॉम्प्लेक्स बन गया, बहुत ज़्यादा अंदर में इसकी ब्रांचेस बन गई, तो फिर ये एक सर्जरी के सेटिंग में होने लायक नहीं रहता, इसके लिए दो तीन सेटिंग लग सकती है। इसके लिए काफ़ी प्रकार के ऑपरेशन भी है, जैसे शास्त्र सर्जरी, सेटॉन सर्जरी और लेजर सर्जरी, ओपन सर्जरी, फिस्टुलेक्टॉमी सर्जरी, फिस्टुलोटॉमी सर्जरी, कोरिंग सर्जरी, काफ़ी सारे प्रोसीजर फिस्टुला के लिए बने हैं। वो इसलिए बने हैं कि कोई भी एक सर्जरी 100% सक्सेसफुल नहीं है। इसमें तो जैसे लैप्रोस्कोपी कहते करते हैं, वैसे भी एक फिस्टुलोस्कोपी भी होती है, फिस्टुलोस्कोप से भी सर्जरी करते हैं, लेकिन इन सब प्रोसीजर के बावजूद कोई भी सर्जरी 100% सक्सेस नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि 80-90% सक्सेस रेट भी ये सर्जरी के लिए बहुत अच्छा है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आप अपने छोटे मोटे सिम्टम्स को बिल्कुल ओवरलुक मत कीजिए, कॉन्स्टिपेशन समस्या एक बीमारी मत बनने दीजिए। कॉन्स्टिपेशन एक नॉर्मल चीज़ है, आपको कभी ना कभी हो सकता है, लेकिन अगर वो बार बार होने लगा तो आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, आपको अच्छे डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको ऐसी एक खतरनाक बीमारी लगने के चांसेस है जिसको हम भी कुछ नहीं कर सकते। हम भी इस बीमारी से बहुत परेशान हैं कि इसको कैसे ठीक किया जाए। पूरे दुनिया में इसके ऊपर अभी भी काफ़ी रिसर्च चल रहे हैं, लेकिन कुछ भी अभी फायदेमंद साबित नहीं हो रहा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। धन्यवाद, नमस्कार।